हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। लंबे काले और मजबूत बाल हर किसी का सपना होता है और कोई भी नहीं चाहता कि उसके बाल समय से पहले ब्राउन हो या वाइट हो। इसके लिए जरूरी है कि समय रहते बालों की केयर की जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही बहुत ही सिंपल रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे, अगर एक मंथ तक भी आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको अपने बालों में बहुत ही अच्छे चेंजेस नजर आएंगे। इससे आपके बालों का मेलानिन पिगमेंट रिस्टोर होगा, साथ ही इससे बाल लंबे घने और मजबूत होंगे और बालों का टूटना झड़ना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। बालों में बहुत ही अच्छी शाइन भी आ जाएगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए जिससे मेरी आगे आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर जाता रहे। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये बिल्कुल सिंपल रेमेडी है और आपको इसे 3 स्टेप्स में फॉलो करना है। तो इस रेमेडी को हम तैयार करेंगे करी पत्ता से। करी पत्ता जो कि बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है, ये आपके बालों को काला, घना और चमकदार बनाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि आपके स्कैल्प इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं, डैंड्रफ को दूर करते हैं, बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, साथ ही बालों के मेलानिन पिगमेंट को रिस्टोर करते हैं। मेनली इसमें बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होता है जो कि बालों को झड़ना कम करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही बालों के पिगमेंट को रिस्टोर करता है जिससे आपके सफ़ेद बालों की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और बालों का कालापन काफ़ी लंबी उम्र तक बना रहता है। तो आपको इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपको कुछ करी पत्ते लेने हैं। आपके घर में करी पत्ता का पौधा हो, 4 से 5 आपको करी पत्ते लेने हैं और इनको आपको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, अच्छे तरीके से धो लेना है। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद आपको सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट इन पत्तों को चबाकर खाना है और ये रेमेडी आपको रोजाना फॉलो करनी है। 1 महीने तक कम से कम आपको ये रेमेडी फॉलो करनी है। रोजाना सुबह उठ करके खाली पेट सबसे पहले आपको 5-6 करी पत्ते अच्छे से धो करके खाने हैं। इससे क्या होगा कि बालों को जो न्यूट्रिशन और प्रोटीन चाहिए होता है वो मिलेगा, बालों के झड़ने की जो आपकी समस्या है वो खत्म हो जाएगी और साथ ही बालों का कालापन भी बना रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करी पत्तों को रोजाना एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट खाना है। तो चलिए चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 से 5 करी पत्ते ले लिए हैं, ये फ्रेश करी लीव्स हैं और इनको आप अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। दूसरी रेमेडी में हम करी पत्ते का तेल बनाएंगे जिससे आपको अपने बालों में मसाज करनी है। तो इसके लिए आप या तो नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच नारियल का तेल डाल लीजिए या फिर जितना आप बना करके स्टोर करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आप ऑयल को ले सकते हैं। अब इस तेल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। नारियल और जैतून दोनों ही तेल बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और बालों को काफ़ी डीपली मॉइस्चराइज रखते हैं जिससे आपके बाल टूटते झड़ते नहीं हैं। इन दोनों में से कोई भी तेल लेकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। अब हम इसमें फ्रेश करी लीव्स डालेंगे। इसमें आपको 8 से 10 करी पत्ते तोड़ करके इस तरह से डाल देने हैं। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स नहीं है तो आप मार्केट से करी पत्ते का पाउडर भी ले सकते हैं, उसका भी सेम इफेक्ट मिलता है। अब इस ऑयल को बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर इसको नहीं बनाना है। जितनी आप फ्लेम लो रखेंगे उतना ये तेल अच्छा बनेगा। अब हमने इस तेल को इतनी देर पकाना है जब तक ये करी पत्तों का कलर चेंज होकर बिल्कुल ब्लैक हो जाए और 8 से 10 मिनट तक पकाने के बाद करी पत्तों का कलर बिल्कुल बदल जाएगा और उसके बाद आप गैस को तुरंत ऑफ कर दीजिए और गैस से इसे उतार लीजिए। इसको गैस पर रखा आपने नहीं छोड़ना है। गैस से इसको उतार करके इसको हम छान लेंगे और इसको ठंडा करके किसी कांच के जार में भर करके इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपको करना इतना है कि आपको रात को सोने से पहले इस ऑयल से अपने बालों की जड़ों में मसाज करनी है। मसाज बहुत ही धीरे धीरे करनी है, बिल्कुल लाइट हैंड से अपनी फिंगर टिप से आपको बालों में इसकी मसाज करनी है और मसाज करने के बाद आपको हॉट टॉवल से बालों को स्टीम देना है। मसाज करने के बाद आप गर्म पानी में तौलिए को भिगो लीजिए और तौलिए को निचोड़ करके अपने बालों पर बांध लीजिए। ऐसा आप 2 से 3 बार करिए और कम से कम 15-20 मिनट तक आपको ऐसा करना है। उसके बाद आप बालों में तेल को इसी तरह से पूरी रात लगा हुआ छोड़ दीजिए और अगली सुबह आपने बालों को वॉश करना है। लेकिन वॉश करने से पहले हम तीसरी रेमेडी अप्लाई करेंगे बालों पर, उसके बाद हम बालों को वॉश करेंगे। तो चलिए तीसरी रेमेडी हम देख लेते हैं।
इस तेल से बालों की मसाज करने से आपके बालों में जो भी डैमेज हो चुका है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। बालों की सभी परेशानियों को ये सॉल्व कर की देता है। तरफ इस स्टेप में मैं आपको एक हेयर पैक बता रही हूँ जो कि आपको अपने बालों पर लगाना है। इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच करी पत्ते का पाउडर। करी पत्तों को आप घर में छाया में सुखा करके भी इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं, या फिर मार्केट से रेडीमेड भी करी पत्ते का पाउडर मिलता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पर करी पत्ते का पौधा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 चम्मच करी पत्ते का पाउडर लेना है और इसमें हमें ऐड करना है 2 से 3 बड़े चम्मच दही। जिस तरह करी पत्ता हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उसी तरह से दही भी हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। दही में काफी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन B5 और एंटी फंगल गुण होते हैं, जिसकी वजह से यह आपके स्कैल्प के इन्फेक्शन को खत्म करती है, डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती है और साथ ही बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करती है। इससे आपके बाल बाउंसी और चमकदार हो जाते हैं, बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है और करी पत्ते के साथ इसको इस्तेमाल करने से बालों का कालापन बना रहता है। इसके बाद अगली चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे जो कि आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, वो है लेमन जूस। इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ करके मिलाएंगे। लेमन यानी नींबू में विटामिन सी होता है जो कि आपके बालों के कोलेजन को बूस्ट करता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को टाइट करता है और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही आपके स्कैल्प के, आपके सर की त्वचा के जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनको खोलता है, जिससे आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो लेमन जूस इसमें ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप आधा नींबू का रस डाल दीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से आपका ये बहुत ही न्यूट्रिशियस हेयर पैक बन करके तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको इस हेयर पैक को किस तरह से अप्लाई करना है। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो उससे कम 2 घंटा पहले आप इस हेयर पैक को इस्तेमाल करिए। इस हेयर पैक को अपने बालों में, बालों की जड़ों में स्पेशली इसको अच्छे तरीके से लगा लीजिए। पहले आपको इस पैक से अपने बालों की जड़ों में स्कैल्प पर अच्छे तरीके से मसाज करनी है और उसके बाद आपको पूरे बालों में, पूरी हेयर लेंथ में इसको ब्रश की मदद से या फिर अपने फिंगर्स की मदद से इसको लगा लीजिए। उसके बाद 2 घंटे तक आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। 2 घंटे बीत जाने के बाद आपको बालों को वॉश करना है। तो इस तरह से करी पत्ता के पूरे बेनिफिट्स जो हैं वो आपके बालों को मिलेंगे। रोजाना आप इस रेमेडी को 1 महीने तक भी फॉलो करेंगे तो आपके बालों की, जो सफ़ेद बालों की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक इससे ख़त्म हो जाएगी। इसमें से जो करी पत्ता खाने वाली रेमेडी मैंने बताई है वो आपको डेली करनी है और बाकी की जो 2 रेमेडीज़ हैं वो आपको वीक में कम से कम 2 बार ज़रूर करना है। तो इस तरह से अगर आप करी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बालों में 1 महीने के अंदर ही बहुत ही अच्छे चेंजेस देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।